नमस्कार। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर हिंदी साहित्य की इस कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि रसकान को पढ़ेंगे। पहले हम रसकान का परिचय जानना चाहेंगे। हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा में रसकान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कवि रसकान स्वच्छंद धारा के कवि थे। ये वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य भी थे। मुस्लिम होते हुए भी कवि रसकान पर सांप्रदायिकता की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसकान के काव्य का मूल आधार रहा है। ऐसा लगता है रसकान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ। वही लौकिक प्रेम उदात्तीकृत होकर अलौकिक होकर राधा और कृष्ण के प्रेम में बदल गया। यही कारण है रसकान की भक्ति में माधुर्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। रसकान ने प्रेमाशक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य लिखे। उनके पदों में प्रेम की धारा उमड़ती हुई दिखाई देती है। रसकान की रचनाओं में सुजान रसकान, प्रेम वाटिका और दान लीला ये प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। इनके अलावा भी रसकान ने दोहे और पद लिखे। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रसकान ग्रंथावली का संपादन किया तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसकान ग्रंथावली का संपादन किया है। रसकान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए उनमें उनके कवित्व, सवैये, दोहे उपलब्ध हैं। रसकान की कविता में प्रेम और माधुर्य का भाव मिलता है। उनके पद गाए जाने योग्य है। रसकान के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है और इस ब्रज भाषा में माधुर्य की धारा प्रवाहित है। रसकान वास्तव में रस की खान थे क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित है। उनके कवित्व और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसकान का निश्चल प्रेम उमड़ता हुआ नजर आता है। उनकी कविता में अलंकार अनायास आए हैं क्योंकि रसकान मूलतः प्रेम के कवि हैं। अब हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आदिकाल और भक्ति काल, उसमें संकलित जो पहला सवैया है सुजान रसकान नामक रचना से लिया गया, उस पहले पद की हम व्याख्या करेंगे। पद पहले देखिए, मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मजारन, वाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो कक हो तो बसेरो करो मिलि कालिंदी कुल कदंब की डारण। प्रस्तुत पद रसकान की रचना सुजान रसकान से लिया गया है। कवि रसकान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भक्त कवि रसकान कामना करते हैं कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो उस पुनर्जन्म में
कोई सी भी योनि में जन्म मिल सकता है, मनुष्य योनि में जन्म मिल सकता है, पशु योनि में भी जन्म मिल सकता है, और पत्थर भी वह बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं। तो जिस योनि में भी रसकान की इच्छा है कि उन्हें जन्म मिले, तो वो उन्हें व्रज में ही मिले, ताकि वो कि व्रज की भूमि, वहां के ग्वालों के बीच में, और पशु अगर उन्हें पशु रूप में जन्म मिले अगला जन्म, तो बाबा नंद की गायों को चराने का अवसर उन्हें मिले। ये सौभाग्य की रसकान के हृदय में बलवती इच्छा है, वो कामना करते हैं। चलिए देखते हैं इस पद को कि रसकान कहते हैं, मानुसो तो मई रसकान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, कि मुझे अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य बनाए भगवान, अर्थात मनुष्य योनि में मुझे जन्म मिले, तो मैं चाहता हूं कि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का मुझे सौभाग्य मिले। ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच रहने का मुझे अवसर मिले, सौभाग्य मिले, ये कवि रसकान कामना करते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के थेनु बजार, कि अगले जन्म में मेरा कोई यह भी बस नहीं कि मुझे भगवान पशु भी बना सकते हैं। तो अगर मुझे ईश्वर पशु रूप में मुझे जन्म मिले अगर अगले जन्म, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के थेनु बजार, कि मुझे अगला जन्म पशु भी मिल सकता है, कि उसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन कि ईश्वर मुझे बाबा नंद के गायों के बीच चरने वाली गाय के रूप में मुझे वो अगला जन्म मुझे दे, और मैं पत्थर भी बनाया बन सकता हूं अगले जन्म में। पाहानो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, कि अगर मेरा अगले जन्म में मुझे पत्थर बनाया जाए, तो रसकान की कामना है कि वह कौन सा पत्थर बने, कि वह गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, कि जिस पत्थर को कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से व्रज के निवासियों की उन्होंने रक्षा की और अपने हाथ में छाते के रूप में उठा लिया, तो वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर मुझे बनाने का सौभाग्य या अवसर प्राप्त हुए। यही नहीं कि मेरा अगला जन्म पक्षी योनि में भी हो सकता है, कि इंसान भी बन सकता हूँ, पशु भी बन सकता हूँ, पत्थर भी बन सकता हूँ, और पक्षी भी बन सकता हूँ। तो यदि मैं पक्षी बनूं, तो मुझे यमुना के किनारे जो कग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारण, तो मैं वह पक्षी बनूं कि यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्षों की डालों पर निवास करने वाला, बसेरा करने वाला पक्षी के रूप में रहने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, यह मेरी बलवती इच्छा है। यहाँ कवि रसकान ने अपने जो पुनर्जन्म की जो मान्यता है उसको स्पष्ट किया है। यही नहीं, कवि रसकान कृष्ण के परम भक्त है, अतः कि वह ब्रज की भूमि में, ब्रज प्रदेश में ही रहने की वो इच्छा रखते हैं। इंद्र के प्रकोप से जब पूरा ब्रज प्रदेश डूब रहा था, ये पुराणी के हमें कथन प्रसंग हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है, तो उस पौराणिक प्रसंग का भी यहाँ कवि ने संकेत किया है। अलंकार में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है, और छंद की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ सवैया नामक छंद का प्रयोग हुआ है। तो कवि रसकान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो पुनर्जन्म के पश्चात अगर उन्हें जिस किसी भी योनि में उनका जन्म हो, तो वो ईश्वर से कामना करते हैं कि मुझे ब्रज प्रदेश में जन्म मिले, चाहे पशु पक्षी और इंसान योनि में
किसी में भी मुझे जन्म मिले, लेकिन श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है ब्रज प्रदेश, वहीं मेरा जन्म हो, ये एक भक्त की जो प्रबल इच्छा है, कामना है। धन्यवाद।